सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कैलियोस्कोप। कैलियोस्कोप से आप लोग क्या समझते हैं? ऑप्टिकल एक्सप्रेशन। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन भी निकालना आएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन से जो ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन बीबीआई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी मैं कर रहा हूं। तो देखिए कैलियोस्कोप क्या है। कैलियोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कैलियोस्कोप जो है वो हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है टू लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखने के लिए किसको? डिस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो उसे देखने के लिए। सच एज स्टार, जैसे स्टार को हम लोग देखेंगे तो टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ओके, प्लैनेट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की किसी वैसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे जिसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो। ओके, सो उसमें हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे। और टेलीस्कोप जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो फर्स्ट टाइप उसका क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एक टाइप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम लोग देखेंगे ये है क्या। तो देखिए क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। ये जो है, ये जो बना होता है ना वो टू कन्वर्जिंग लेंसेज का बना होता है, प्लेस्ड कोएक्सियली। और प्लेस्ड कैसे होगा? ये ऐसे कोएक्सियली, ऐसे एक उसके ऊपर एक और। सो वन इज फेसिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन इज फेसिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अदर इज फेसिंग आई, और दूसरा जो है वो कहां फेसिंग करता है? आई पे इज कॉल्ड आई पीस। और हमारा पहला कहां फेसिंग करता है? वन इज फेसिंग ऑब्जेक्ट, एक जो फेसिंग करता है वो ऑब्जेक्ट पे करता है, वो कहलाएगा क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? अदर इज फेसिंग आई, अदर जो हमारा फेसिंग करेगा वो आई पे करेगा, इज कॉल्ड आई पीस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? हमारा मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है। ओके, ऑप्टिकल द एक्सप्रेशन फॉर क्या? मैग्नीफाइंग पावर के लिए ना हमारा। सो देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा? द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इमेज जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव विल बी एट इट्स सेकेंड फोकस, वो जो होगा इसके फर्स्ट फोकस पे नहीं होगा, सेकेंड फोकस पे होगा। ओके, दिस इमेज इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट इमेज, और ये इमेज जो है हमारा क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट इमेज। ओके, विल एक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ये जो है एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे फॉर आई पीस। ओके, आई पीस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, आई पीस जो हमारा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ इट, और मैग्नीफाइड इमेज वो बनाएगा। ओके, सो अब हम लोग कुछ मान लेते हैं। देखिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू जो हमारा है ना वो एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑन ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू क्या है? अल्फा इज इक्वल टू एफ क्यू बाय एफ नॉट। अभी हम लोग फिगर बनाएंगे। सो यहां से बीटा हमारा क्या निकल के आ रहा है? बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या? एंगल सब्सटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस, एंगल जो सब्सटेंड करेगा फाइनल इमेज का कहां पे? एट आई पीस। सो बीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाय यू ई। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। सो हम लोग देखेंगे क्या इसका मैग्निफिकेशन पावर की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन पावर हम लोग ने ये तो देख ही लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय टेलीस्कोप। सो अब मैग्निफिकेशन पावर क्या आएगा? सो एम इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू पी गैस क्यू गैस बाई क्यू बाई यू बाई पी क्यू बाई एफ नॉट। यहां से हमारा एम क्या निकल के आएगा? ये एम जो है एम इज इक्वल्स टू निकल के आएगा, वो क्या आएगा? एफ नॉट बाई यू नॉट। यहां से ये जो हमारा है यहां से निकल के आएगा, ये एम इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा एफ नॉट बाई यू ई। ओके, और अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कैलियोस्कोप। कैलियोस्कोप का लेंथ क्या होगा उसका? तो देखिए एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई, इसे आप लोग लर्न कीजिए, ये हमारा लेंथ ऑफ कैलियोस्कोप। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉर रिलैक्स गाइड, फॉर रिलैक्स गाइड। ओके, उसके लिए हमारा क्या होगा? UE जो होगा ना, UE इज इक्वल टू एफ नॉट, ये कंडीशन है। रिलैक्स गाइड जब भी होगा तो UE इज इक्वल टू एफ नॉट होगा। सो हमारा F क्या निकल जाएगा?
यहाँ देखिए हमारा एम क्या है, एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय यूई है ना, यूई इज इक्वल टू एफ नॉट है। सो ये तो हमारा क्या था, एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई। ओके, ऑइंट एल इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, एल इज इक्वल टू हमारा निकलेगा एफ नॉट प्लस यूई है हमारा है ना, तो यूई इज इक्वल टू क्या है एफ नॉट, सो एफ नॉट प्लस एफ ई। ओके, सो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग इसका फाइनल इमेज जो बनेगा ना वो पॉइंट डी पे बनेगा, और हम लोग डी पे निकालते हैं इसका एम। ओके, सो फॉर मिनिमम डेविएशन अकर्स इन प्रिज्म, हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में भी है। सो देखिए, फॉर मिनिमम डेविएशन अकर्स इन प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन अकर्स कब करेगा प्रिज्म में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट इज आई इज इक्वल टू ई। और हमें एक्सप्रेशन किसका निकालना, मिनिमम डेविएशन का, तो मिनिमम डेविएशन हम लोगों का क्या होता है, 2y माइनस ए, ये हमारा मिनिमम डेविएशन है। हम लोग पहले इसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। सो हम लोग पहले मिनिमम डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इस सिचुएशन को प्रूफ करेंगे i इज इक्वल टू e को। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग ये करते हैं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 2y माइनस ए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ये डेल मिनिमम। ओके, डेल मिनिमम इज इक्वल टू होता क्या, 2y माइनस ए। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पी। ओके, स्नेल्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे पॉइंट पी पे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन। ओके, एंड एट क्यू, क्यू पॉइंट पे जब करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आई, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई। ओके, यहां से हमारा क्या निकल के आया, साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू। ओके, सो अब क्या है, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर से हम लोगों ने मान लिया कि आर वन जो है वो आर टू है इज इक्वल टू आर है। सो यहां से क्या आएगा हमारा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू टू वाई माइनस ए, आई प्लस आई टू वाई माइनस ए, ये हमारा एंगल ए है। सो टू वाई माइनस ए, यहाँ पे हमारा गेल मिनिमम क्या है, मिनिमम डेविएशन। ओके, ए हमारा क्या है, प्रिज्म। सो ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए, मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। अब हम लोग एक कंडीशन प्रूफ करेंगे, आई इज इक्वल टू ई, मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए जो ये सिचुएशन है आई इज इक्वल टू ई वो क्या है, हमें अब ये प्रूफ करना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। सो देखिए, जैसा कि हम लोग को प्रूफ करना है आई इक्वल टू ई, ये हमारा कंडीशन था फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए। मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आई इज इक्वल टू ई होगा। ओके, सो देखिए, वी नो दैट डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ये जो फॉर्मूला है, एंड आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए फ्रॉम फिगर। ओके, सो स्नेल्स लॉ को लोग लगाएंगे कहां पे, पॉइंट पी यहां पे, तो क्या आ जाएगा, वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू इंटू साइन आर वन। ओके, अब स्नेल्स लॉ को कहां पे लगाएंगे, एक पॉइंट क्यू, ये जो हमारा पॉइंट क्यू है, यहां पे स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो आएगा क्या आएगा अपना, वन इंटू साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर टू। ओके, स्नेल्स लॉ को पॉइंट क्यू पे लगाने से, सो फॉर मिनिमम डेविएशन, गेन मिनिमम डीएस बाय डी आई इज इक्वल टू हमको जीरो करना पड़ेगा। सो डीएस बाय डी आई जीरो जब करना पड़ेगा तो क्या होता है, देखिए डीएस बाई डी इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या होगा, डी आई बाई डी आई प्लस डी ई। ओके,
DE by DI from figure, okay, equals to, इसको जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 plus DE by DI is equals to 0, okay, that is, DE is equals to minus DI and जब इसका हम DN निकाल लेंगे तो DN is equals to minus DR 2, that is, यह भी सेम है, यह भी सेम है, so, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ना, I equals to E, so, ये अपना प्रूफ हुआ, इसे हम लोग जान कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई जब लोड पे निकाला मैंने गाड़ी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ओके? सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट है क्या? इट इज द फेनोमेनन, यह एक तरीके का फेनोमेनन है, स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम, जो स्प्लिटिंग करेगा बीम को ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ओके, सो ये अपना था डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। सो और इसकी फिगर की बात करें तो देखिए क्या है, ये अपना पॉइंट ए बी सी और ये हमारा रे हुआ, ये इधर और ये इधर, सो ये अपना रेड और व्हाइट दो कलर और ये हमारा व्हाइट लाइट है। सो देखिए क्या था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम, ओके, ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब ऑप्टिक्स में, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन हमारा क्या है? तो देखिए क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, यह प्रोड्यूस किया जाएगा एक प्रिज्म से फॉर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को, ओके, इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, दैट इज वायलेट एंड रेड कलर्स। ओके, तो ये अपना फिगर है, ये प्रिज्म है हमारा एबीसी, यहां से रे हमारा जा रहा है, ये किधर गया, ये इधर, ये इधर, यहां से जो एंगल बनाएगा ये आर, ये डेल, डेल वी, ओके, ये हमारा रेड कलर है, येल्लो, वायलेट, सो हमारा गेल नेट क्या निकलेगा, गेल नेट जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा गेल ऑफ वायलेट माइनस गेल ऑफ रेड इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, गेल ऑफ वायलेट मेरा क्या है म्यू भी है, म्यू भी, ओके, माइनस गेल ऑफ आर हमारा क्या आएगा म्यू आर इनटू ए, सो ये हमारा गेल नेट का फॉर्मूला निकला, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई थीटा और गेल नेट को हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो है ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू वी जो हमारा है वो क्या है, म्यू वी जो हमारा है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, म्यू वी इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर और म्यू आर क्या है हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। सो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये था हमारा व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, डिफाइंड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है? सो देखिए क्या है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होगा वो हमारा डिफाइंड होगा कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस के जो है ना फोकल लेंथ उसका रेसिप्रोकल। सो देखिए, इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे पावर को। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो है वो डायोप्टर। ओके, सो हमारा यहां से पावर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ओके, यहाँ एफ जो अपना फोकल लेंथ है इन मीटर में। ओके, सो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये था अपना डिफाइंड पावर, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन मैग्निफाइंग पावर एंड रिजोल्विंग पावर फॉर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप दोनों के लिए। ओके, सो ये भी क्वेश्चन भी आई है, देखिए क्या है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज अ फैक्टर, मैग्नीफाइंग पावर एक फैक्टर है बाय विच द इमेज ऑन द रेटिना, बाय विच द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी इनलार्ज्ड बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप, ओके, और टेलीस्कोप, मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो है एक फैक्टर है विच इज द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी इनलार्ज्ड बाय यूजिंग द जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग
इमेज को जो है बड़ा लार्ज कर सकते हैं, उसे एम मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एम, और मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। फॉर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग अभी निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। सो देखिए, माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा अपना, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। विजुअल एंगल जो हमारा फॉर्म होगा फाइनल इमेज के द्वारा, वो बाय में क्या, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेन कहां पे, केप्ट एट डिस्टेंस डी। सो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था फॉर माइक्रोस्कोप, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप के लिए करेंगे। सो हमारा देखिए मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकाल रहे थे ना, फॉर माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग निकाल ही लिया था, टेलीस्कोप के लिए निकालते हैं। सो क्या आएगा मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप के लिए, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो अपना विजुअल एंगल फॉर्म करेगा वो बाई में क्या, विजुअल एंगल सब्सटेंटेड बाय द ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल जो सब्सटेंट करेगा ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली वेन सी फ्रॉम लेफ्ट गाइड, जब वो देखेगा नंगे आंख से। ओके, सो ये हमारा था टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग रिजोल्विंग पावर करते हैं। रिजोल्विंग पावर हम लोग निकालेंगे फॉर टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप दोनों के लिए। सो अब हम लोग रिजोल्विंग पावर निकालेंगे फॉर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए। सो पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के लिए निकालते हैं रिजोल्विंग पावर। सो देखिए फॉर माइक्रोस्कोप के लिए क्या आएगा हमारा, द रिजोल्विंग पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। रिजोल्विंग पावर जो है वो हमारा डिफाइन कैसे होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, विच कैन बी रिजोल्व व्हेन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। ओके, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ओके, सो हमारा रिजोल्विंग पावर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 1 बाई गेल डी इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा बाय अल्फा। ये हमारा रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला हुआ। ये क्वेश्चन आपसे दो नंबर में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजोल्विंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये हमारा आया फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। म्यू जो है ये म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये हमारा लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा अब क्या है, हमें रिजोल्विंग पावर निकालना है फॉर किसका, टेलीस्कोप का। सो देखिए क्या होगा, द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज, रिजोल्विंग पावर जो टेलीस्कोप का उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन, रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, विच आर जस्ट रिजोल्व बाई अ टेलीस्कोप, जो कि टेलीस्कोप के द्वारा रिजोल्व किया गया हो। सो देखिए, आर इज इक्वल्स टू 1 बाई डेल थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय 1.22 लैम्डा, वेयर ये ए जो है अपना ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, और लैम्डा तो अपना वेवलेंथ है ही। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग की आई आर करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय टीआई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर, एक्सप्लेन इट। वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्या है टीआईआर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन, यह डिफाइन किया जाएगा, यह एक फेनोमेनन है ऑफ फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यह फेनोमेनन है, गेट टेक्स प्लेस, जो प्लेस लेगा। ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ गैंसर मीडियम, ओके, ट्रेवल करेगा गैंसर मीडियम में, गेट्स इंसिडेंट एट द, वो इंसिडेंट हो जाएगा एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, वो इंटरफेस हो जाएगा एट टू मीडिया। ओके, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और वो जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। ओके, एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द गैंसर मीडियम। ओके, सो ये था हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा देखिए, अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। सो क्या म्यू आर इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ओके, और म्यू टू इज इक्वल टू हमारा क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ गैंसर मीडियम। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए हमें प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा फिगर है, ये हमारा रेरर मीडियम, ये कैंसर मीडियम, ओके, यहां से एक लाइक इधर गया, ये हमारा म्यू ऑफ रेरर मीडियम और ये हमारा म्यू ऑफ कैंसर मीडियम है, ये हमारा आई, ये आई और ये आर, ओके, सो ये हमारा फिगर था। अब यहां देखिए फ्रॉम फिगर से हमारा क्या निकल के आ रहा है ना, म्यू डी साइन आई स्ने फ्रॉम स्नेल्स लॉ इक्वल टू म्यू आर साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। सो यहां से हमारा क्या होगा, म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई इक्वल टू साइन आर हम लोग लिख सकते हैं। सो यहां से देखिए वन ग्रेटर एंड इक्वल टू, वन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई, और ये जो ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू है वो है जीरो, ओके, सो और म्यू आर बाई म्यू डी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आई और साइन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ओके, सो यहां से हमारा क्या निकला, थीटा सी ग्रेटर एंड इक्वल टू वन और वन हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। सो यहां से हमारा थीटा सी फॉर्मूला क्या निकला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का साइन इनवर्स, ओके, म्यू आर बाई म्यू डी, क्योंकि हमारा एंगल यहां साइन आई में है ना, तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, ये थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी, ये जो हमारा है म्यू आर बाय म्यू डी, ओके, ये यहाँ आया। सो ये नोट डाउन कीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये क्वेश्चन आप लोगों से दो लोगों दो क्वेश्चन में मतलब दो मार्क्स में पूछा जाएगा। सो देखिए क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का जो फिगर है ये ऐसे, ये लाइट है, ये लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ओके, ऐसे जाएगा, यहाँ पे हमारा ग्लास रॉड है ये जो है और ये लाइट है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, ये ऑप्टिकल फाइबर था, ये फिगर में जो दिखलाया गया ऐसे ऐसे ये वर्क करता है। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंटरफेरेंस, वीवीआई क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोगों से, व्हाट इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंसेस। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस, व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जब दो और दो से ज्यादा लाइट उसका वेव जो होगा सो सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑलमोस्ट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग जो है वो ऑलमोस्ट डायरेक्शन किसमें करेगा, सुपर इम्पोज, ओके, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और हमारा एम्पलीट्यूड इन द रीजन जो है ऑफ सुपर पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडिविजुअल इंटरफेयरिंग वेव्स, ओके, दिस इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ये पूरा जो है हमारा फिनोमेनन ये हमारा इंटरफेरेंस कहलाएगा, ओके, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस करते हैं। सो देखिए अब हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट टू वेव्स ईच ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दो वेव्स को मानेंगे जिससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो फ्रॉम सोर्स एस वन, ओके, एंड एस टू रीच द पॉइंट पी, जिसको पहुंचना है कहां पे, पॉइंट पी पे, इफ इनिशियली द वेव्स आर इन सेम फेज, इफ इनिशियली वेव्स जो हमारे है वो सेम फेज में होंगे एंड हैव एम्पलीट्यूड ए वन ए टू रेस्पेक्टिवली, देन हम लोग ये लिख सकते हैं SHM से, SHM 11th की टॉपिक है उससे हम लोग ये लिख सकते हैं Y1 is equals to A1 sin, ओके, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और Y2 को हम ये लिख सकते हैं A2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे फाइव जो हमारा है वो फेज डिफरेंस है। सो आप लोग यहां तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। सो देखिए अब हमारा क्या था, हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाला था Y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फ्रॉम SHM से, हमारा 11th का टॉपिक है, और Y2 हमारा जो निकलेगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, वेयर 5 इक्वल टू फेज डिफरेंस। सो हमारा रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव जो हमारा आएगा Y इक्वल टू आएगा Y1 प्लस Y2, सो Y1 प्लस Y2 को जोड़ो, सो A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ओके, सो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा क्या
a1 प्लस a2 cos phi sin ओमेगा की माइनस के एक्स, और क्या आएगा अपना माइनस a2 sin phi और cos ओमेगा की माइनस के एक्स, ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा ये। सो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इफ a1 प्लस a2 cos phi, ये जो है हमारा इक्वल्स टू, इसको हम लोग मान लेंगे a cos थीटा एंड a2 sin phi जो है इसको हम लोग मान लेंगे a sin थीटा। सो ये हमारा फिगर था, ओके इंटरफेरेंस का फिगर था ये हमारा, ये हमारा s1 s2 यहाँ का डिस्टेंस g, ओके ये हमारा x प्लस डेल x यहां से यहां का, और ये अपना पॉइंट p है, ओके और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये y है, ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है, और ये जो एक्सिस हमारा है ये जो है मेरा x हुआ। सो ये था इंटरफेरेंस, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। सो अब देखिए हमारा क्या है, a1 प्लस a2 cos phi को हम लोगों ने a cos थीटा माना, और a2 sin phi जो हमारा इक्वेशन में निकला था उसका हम लोगों ने a sin थीटा माना। देन y इक्वल्स टू हमारा क्या है, ये y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो ये हमारा y1 प्लस y2 वाला इक्वेशन आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, a cos थीटा sin ओमेगा की माइनस के एक्स माइनस a sin थीटा cos ओमेगा की माइनस के एक्स, ये कहां से आया, ये हम लोगों ने जब फाइनल हम लोग जो निकालेंगे इसका इंटरफेरेंस, तो फाइनल इंटरफेरेंस हमारा क्या होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो ये हमारा इक्वेशन जो है ना y1 प्लस y2 का है, ओके सो यहां से क्या निकला हमारा, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की माइनस के एक्स माइनस थीटा, ओके ये निकला अपना। और यहां से अगेन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ओके एंड यहां से हमारा tan थीटा क्या निकलेगा, tan थीटा निकलेगा इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू a2 sin phi बाय में a1 प्लस a2 cos phi। सो ये हमारा था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ये दोनों फॉर्मूला जो हमारा है ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ऑप्टिक्स ये खत्म हुआ। सो आप लोग अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को कीजिए जिससे एग्जाम में आप लोगों को फायदा मिले। थैंक्स।